प्रेगनेंसी के दौरान केसर का प्रयोग, केसर के दूध का प्रयोग, अलग अलग फॉर्म्स में केसर का प्रयोग, केसर के प्रयोग का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान, क्या प्रेगनेंसी में केसर यूज़ करना सेफ है, प्रेगनेंसी में केसर को यूज़ करने से क्या अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्या केसर का दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है, केसर के प्रेगनेंसी में लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और अगर लेना चाहिए तो कितना अमाउंट प्रेगनेंसी में लेना सेफ़ है, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। केसर, जिसे कि ज़ाफ़रान या सैफ्रन भी कहते हैं, ये वर्ल्ड के अंदर यूज़ होने वाला सबसे कॉस्टलीस्ट स्पाइस है। केसर का प्रयोग प्रेगनेंसी के अंदर काफ़ी सोच समझ के सही मात्रा में प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना गुणकारी है, इसके जितने फ़ायदे हैं, ये उतना ही हार्मफुल भी साबित हो सकता है अगर एक लिमिट के बियॉन्ड इसे प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रेगनेंसी में केसर का प्रयोग आप कब से शुरू कर सकती हैं, क्या प्रेगनेंसी शुरू हुई है, पहला महीना, दूसरा महीना, क्या आप तभी से केसर ले सकती हैं? तो देखिए, साइंटिफिकली मैं आप बोलूँ तो आप केसर कभी भी शुरू कर सकती हैं, पहले दूसरे महीने में भी शुरू किया जा सकता है अगर आप बहुत स्मॉल क्वांटिटीज लें, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपने शुरू के 3-4 महीने निकल जाने दें और उसके बाद केसर का प्रयोग शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू के 3-4 महीने जाने दीजिए, 4 महीने निकल जाएँ, उसके बाद आप आराम से अपना केसर का प्रयोग स्टार्ट कर सकती हैं। केसर का प्रयोग करने का प्रेगनेंसी में क्या फ़ायदा होता है? केसर को आप केसर के दूध के फॉर्म में भी ले सकते हैं, अलग प्रकार से भी ले सकते हैं, कुछ लोग इसको खीर में, मिठाइयों में, इस प्रकार से भी यूज़ में लेते हैं। तो देखिए, केसर जो है वो प्रेगनेंसी में होने वाली जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी कि सांस से रिलेटेड जो तकलीफ़ें होती हैं महिलाओं की, एलर्जीज़ होती हैं, उसको कम कर देता है। केसर आपका डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है। प्रेगनेंसी के अंदर मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन होता है, यानी कि जी घबराना, नौजिया, वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहना, हर समय उल्टी आने जैसा लगना, तो उसका भी केसर का प्रयोग करने से वह भी मॉर्निंग सिकनेस भी थोड़ी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में तो आपने सुना ही होगा कि हेयर फॉल बहुत कॉमन समस्या होती है, यानी कि बाल झड़ना बहुत कॉमन होता है, तो केसर का जो प्रयोग होता है वह बाल झड़ने की समस्या को भी कुछ हद तक कम कर देता है। प्रेगनेंसी के अंदर कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कुछ महिलाओं को पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं, किसी किसी को मेलास्मा हो जाता है, यानी कि चेहरे पे ब्लैकनिंग या डार्कनिंग जैसी हो जाती है, तो वह भी केसर के प्रयोग करने से थोड़ी कम हो जाती है। केसर आपका इन जनरल डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही करता है, साथ में आपका ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण यह कार्डियक डिजीजेस को, किसी भी प्रकार के हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को भी कम कर देता है। प्रेगनेंसी के दौरान केसर का प्रयोग करने से आपका जो मूड होता है वह भी अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने के कारण महिलाओं के अंदर बहुत कॉमनली मूड चेंजेस आते हैं, बिना फालतू गुस्सा आता है, रोना आता है, चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेसिव फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है वो इस तरह के बॉडी में चेंजेस लाता है। तो केसर का जो प्रयोग है वो आपके मूड को बेहतर रखता है। केसर रात के समय जो नींद है उसको भी इम्प्रूव करता है। एक्चुअली प्रेगनेंसी के अंदर भी महिलाओं की ये बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि ढंग से नींद नहीं आ पाती है, तो आपकी नींद को भी इम्प्रूव करने के लिए केसर काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो केसर मोर ऑफ लेस काफ़ी आपके सिस्टम्स को बैलेंस रखने के लिए, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके एलर्जिक कंडीशंस कम करने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए डेफिनेटली यूज़फुल होता है। किंतु केसर का प्रयोग एक लिमिटेड मात्रा में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केसर का प्रयोग काफ़ी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आप प्रतिदिन डेली 250 मिलीग्राम, मैक्सिमम 250 मिलीग्राम केसर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, यानी कि मैं सिर्फ 1/4 ग्राम की बात करूँ, यानी काफ़ी स्मॉल मात्रा में। वैसे भी केसर स्मॉल मात्रा में ही यूज़ की जाती है, फाइन फाइन थ्रेड्स होते हैं उसके,
तो आप मैक्सिमम एक दिन में 250 मिलीग्राम केसर का प्रयोग कर सकते हैं, उससे अधिक आपको प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही हम इसका लेवल बढ़ा देते हैं, अगर हम 250 मिलीग्राम से इसका बढ़ा के 500 मिलीग्राम कर देते हैं, तो क्या होता है, एक चीज़ जो मैं आपको नहीं बताई प्रेगनेंसी के दौरान, जो इसका एक मेजर फ़ायदा और था, कि इसके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है। तो ये बीपी को भी थोड़ा कम करने में का हेल्प करती है। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, पर क्योंकि ये बीपी को कंट्रोल करके रखती है, तो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इसका प्रयोग करें, यानी कि अगर आप का डेली इंटेक आप डेली 500 मिलीग्राम से अधिक केसर का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके बीपी को अधिक लो कर देगा। उसके कारण आपको चक्कर आना, अलग प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो आपको केसर ले सकते हैं, लेकिन 250 मिलीग्राम से कम। 500 मिलीग्राम से ऊपर किया आपने तो आपको चक्कर आना, लो बीपी होने की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अगर आप 1 ग्राम से ऊपर जाएंगे, यानी कि 1 ग्राम से भी अधिक आपने केसर का प्रयोग कर लिया, तो बीपी इतना कम हो सकता है कि जिससे कि बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन आने लग जाए। अगर आपका केसर का प्रयोग 2 ग्राम से भी ऊपर हो गया, तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर सकता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर मिसकैरेज दे सकता है, और यही प्रेगनेंसी अगर 7-8 महीने की हो गई है तो उसमें प्रीटर्म लेबर पेंस दे सकता है। इसलिए आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि केसर गर्म होती है, इसलिए केसर को बिल्कुल लास्ट टाइम पे दीजिए, यानी कि जब 9 महीना लग चुका है, ताकि दर्द चालू हो और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़े। तो बात बिल्कुल सही है कि केसर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इसको हम शुरू के 3 महीने देना अवॉइड करते हैं। ऑल्दो अगर आप शुरू के 3 महीना भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटीज़ काफ़ी कम अमाउंट में होनी चाहिए। ज़्यादा अमाउंट में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट करने के लिए जो इसकी डोजेस है, यानी कि आप 2 ग्राम से अधिक प्रतिदिन इसका प्रयोग करेंगे तो ही ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या केसर का प्रयोग करने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? तो अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, तो जो मैंने बताया कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट से अगर आप ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं, यानी 2 ग्राम से भी अगर अधिक हो गया है तो। किसी किसी को इसके कारण एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, हर किसी को नहीं आता है, जिसमें कि फिर होठों पे सूजन आना, नाक से ब्लड निकलना, बॉडी पे इरिटेशन, एलर्जिक जैसे साइन होना। ऑल्दो वो इतना कॉमन नहीं होता, इट्स क्वाइट अनकॉमन कि केसर के कारण एलर्जिक रिएक्शन आए, पर वंस वाइल किसी को हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, केसर इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस होता है कि केसर का दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है, जो कि इन जनरल बहुत कॉमन सेइंग होती है। तो क्या सच में केसर का दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है? बच्चा गोरा या काला किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बच्चा गोरा होगा या काला होगा, ये बच्चे के जीन्स पर डिपेंड करता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। केसर का दूध आप पिए या नहीं पिए, उससे बच्चे के रंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो केसर एक अच्छी चीज़ है प्रयोग करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, किंतु लिमिटेड अमाउंट में। उस चीज़ का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि प्रतिदिन इसका प्रयोग 250 मिलीग्राम से ऊपर ना हो। केसर सबसे कॉमनली दूध के अंदर यूज़ किया जाता है, तो आप सिंपल सी चीज़ है कि 2 गिलास केसर का दूध पी सकते हैं, 1 गिलास मॉर्निंग में, 1 गिलास इवनिंग में। उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जो उसके पत्तियाँ होती हैं, वो 2-3 आप यूज़ कर सकती हैं, मॉर्निंग में 2-3, शाम को 2-3, बस उससे ज़्यादा का प्रयोग ना करें। अगर आपको इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।